नमस्कार दोस्तों, साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने फिर से रचा इतिहास और पहले बल्लेबाजी करते हुए खड़ा कर दिया पहाड़ जैसा लक्ष्य। और फिर उसके बाद अफ्रीका के गेंदबाजों का आया तूफान और इस रोमांचक मुकाबले में इस टीम ने मारी बाजी। जी हां दोस्तों, आज वर्ल्ड कप 2023 का 32वां मुकाबला साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीम के बीच खेला गया, जहां न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने क्विंटन डी कॉक और कप्तान बबुमा आए और इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 38 रनों की पार्टनरशिप की। लेकिन तभी बोल्ट ने 24 रन के स्कोर पर कप्तान बबुमा को आउट कर दिया और 38 के स्कोर पर साउथ अफ्रीका की टीम को पहला झटका लगा। फिर क्विंटन डी कॉक का साथ निभाने मैदान पर वेंडे डुसेन आए और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच काफी अच्छी पार्टनरशिप हुई। पहले तो दोनों बल्लेबाजों ने अपना अर्धशतक पूरा किया और साउथ अफ्रीका की टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। फिर उसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने 150 रनों की पार्टनरशिप को अंजाम दिया और फिर दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे शतक के करीब पहुंच चुके थे। तभी क्विंटन डी कॉक ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा करते हैं। डी कॉक ने इस वर्ल्ड कप में अपना चौथा शतक जड़ दिया था और दूसरे छोर पर वेंडे डुसेन भी शतक के करीब पहुंच चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच 192 गेंदों पर 200 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। तभी क्विंटन डी कॉक सऊदी की गेंद पर 114 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और साउथ अफ्रीका की टीम को 238 रन पर दूसरा झटका लगता है और फिर उसके बाद वेंडे डुसेन का साथ निभाने मिलर आते हैं। मिलर और वेंडे डुसेन के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है और दोनों ही बल्लेबाज अर्धशतक के पार्टनरशिप को अंजाम देते हैं। वेंडे डुसेन शतक बना चुके थे। शतक बनाते ही वेंडे डुसेन चौके छक्कों में काफी ताबड़तोड़ अंदाज में खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन सऊदी भी उन्हें 133 रन के स्कोर पर बोल्ड कर देते हैं और साउथ अफ्रीका की टीम को 316 रन पर वेंडे डुसेन के रूप में तीसरा झटका लगता है। और फिर उसके बाद लास्ट में किलर मिलर और क्लासन के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। किलर मिलर मात्र 30 गेंदों पर 53 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आखिरी ओवर में निसम के द्वारा आउट हो जाते हैं और फिर आखिरी गेंद पर मार्करम भी छक्का लगाकर पारी को खत्म करते हैं और साउथ अफ्रीका की टीम 50 ओवर में 357 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाने में कामयाब रहती है। और साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से सऊदी ने सबसे ज्यादा 2 विकेट चटकाए, उसके अलावा निसम और बोल्ट को एक एक विकेट मिला। और जवाब में 358 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। न्यूजीलैंड की टीम को 8 रन के स्कोर पर कोनवे के रूप में पहला झटका लगता है। फिर उसके बाद रचित रविंद्रा और विलियम के बीच छोटी सी पार्टनरशिप होती है, लेकिन तभी रचित रविंद्रा भी 45 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और रचित रविंद्रा केवल 9 रन बनाते हैं। फिर उसके बाद डैरियल मिचेल और विलियम के बीच छोटी सी पार्टनरशिप होती है, लेकिन तभी विलियम भी 33 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और फिर उसके बाद डैरियल मिचेल भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाते। केशव महाराज उन्हें भी 24 रन पर आउट कर देते हैं और कप्तान लैथम एक बार फिर से इस मुकाबले में भी फ्लॉप हुए। केवल 4 रन के स्कोर पर रबाडा ने उन्हें भी आउट कर दिया, लेकिन एक छोर पर फिलिप्स अभी भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनका साथ कोई भी बल्लेबाज नहीं निभा रहा था। सेंटनर ने केवल 7 रन बनाए, वो भी केशव महाराज के हाथों बोल्ड हो गए। फिर उसके बाद सऊदी आए, लेकिन सऊदी भी 7 रन बनाकर मार्को जॉनसन का शिकार हो गए। सऊदी के आउट होने के बाद जिमी निसम क्रीज पर बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं, लेकिन जिमी निसम भी 0 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। केशव महाराज उन्हें भी 0 रन पर आउट कर देते हैं और न्यूजीलैंड की टीम के केवल 110 रन पर 8 विकेट गिर चुके थे और न्यूजीलैंड की टीम को अभी भी यहां से लगभग 250 रनों के करीब बनाने थे। लेकिन दूसरे छोर पर ग्लेन फिलिप्स अभी भी 22 रन बनाकर डटे हुए थे और उनके साथ बोल्ट बल्लेबाजी के लिए मैदान पर थे, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम इस मुकाबले में ऑल आउट हो गई और साउथ अफ्रीका की टीम ने इस मुकाबले में बड़े अंतर से जीत दर्ज कर ली है और न्यूजीलैंड की टीम की यह लगातार 3री हार है। और आज की जीत के बाद साउथ अफ्रीका की टीम के पॉइंट्स टेबल में फिर से 12 अंक हो चुके हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही वर्ल्ड कप और क्रिकेट से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।